G20 में मेहमानों का होगा इतना अद्भुत स्वागत कि वे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। मेन गेट पर दुनिया के सबसे सुंदर और आकर्षक भगवान शिव के नटराज के स्वरूप वाली प्रतिमा स्थापित की गई है। मोर पंखों से सजी थालियों से आरती करने की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। तुलसी की माला से आए हुए तमाम मेहमानों का स्वागत करना है। भागवत गीता के श्लोक पढ़े जाएंगे, उपदेश सुनाए जाएंगे। आए हुए अतिथियों को 5 स्टार होटलों में सोने एवं चांदी की थालियों में भोजन परोसा जाएगा। विदेशी मेहमान भी इस पल की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जहां बाजरा, मक्के की रोटी मिलेगी, सरसों का साग मिलेगा, लिट्टी चोखा के अलावे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के अनेकों व्यंजन भी परोसे जाएंगे, जिसमें भारतीय परंपरा का स्वर दिखेगा, भारतीय परंपरा की एक बू आएगी। और भारतीय परंपरा का इस भोज में, इस बैठक में पूरा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जी हाँ, G20 के लिए पूरी दिल्ली तैयार है सज करके, पूरा हिंदुस्तान भी तैयार हो गया है सज करके। हिंदुस्तान इस बार अपने मेहमानों का ऐसा मेजबानी करेगा, इस प्रकार से स्वागत करेगा कि पूरी दुनिया यह मंजर देखेगी और आसमान से देव, दानव, गंधर्व भी पुष्प वर्षा करेंगे। ये मनोरम दृश्य कभी वे भूल नहीं पाएंगे। साफ सुथरी सड़कें, रंग बिरंगी लाइटों से सजा फ्लाईओवर, अंडरपास के दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग, हरे भरे गार्डन और सड़क के किनारे लगे बड़े बड़े बैनर और पोस्टर, ये तो अब बता रहे हैं कि भारत पहले वाला भारत नहीं है। भारत कितना विकसित हो गया है, भारत कितना आगे निकल गया है। दिल्ली के सड़कों पे, दिल्ली के दीवारों पे, दिल्ली के वृक्षों पे जिस प्रकार की सजावट की गई है, वह अद्भुत और अकल्पनीय है। G20 में आने वाले तमाम मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली और दिल्ली के आसपास का इलाका पूर्ण रूप से सज संवर करके तैयार है। भारत G20 के शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेहमानों के सुरक्षा से लेकर के उनके ठहरने तक का सारा पुख्ता इंतजामात आखिरी दौर से गुजर चुका है। दिल्ली के साफ सफाई और सुरक्षा के इंतजाम के निरीक्षण के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने शहर में घूम घूम कर सभी तैयारियों का लगातार जायजा लिया और आगे भी जायजा ले रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आगामी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह सम्मेलन दिल्ली में 9 एवं 10 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं। देश पूरी जोर शोर से सभी मेहमानों की तैयारियों में, स्वागत में जुटा है। मेहमान सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज से भारत आना शुरू कर दिए हैं। शाम तक अमेरिका के राष्ट्रपति के आने की भी पूरी संभावना है। सम्मेलन के दौरान जिन होटलों में मेहमानों को ठहराने की व्यवस्था की गई है, वहां की सुरक्षा सेना के हवाले कर दी गई है। पूर्ण रूप से उसे सुरक्षित बना दिया गया है। सुरक्षा इस कदर मजबूत किया गया है कि परिंदे वहां पर तक नहीं मार सकते हैं, चींटियां घुसने में भी संकोच करेंगी। सुरक्षा इतना मजबूत है कि दिल्ली के 4 अस्पतालों में भारतीय सेना ने डॉक्टरों की टीम किया तैनात। राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले G20 के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं रक्षा अधिकारी ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। रक्षा अधिकारी का कहना है कि भारतीय सेना दिल्ली एम्स, सफदरगंज, राम मनोहर लोहिया और आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल सहित दिल्ली के 4 बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की टीमों सहित कई अन्य त्वरित प्रक्रियाओं के साथ मेडिकल टीमों को तैनात कर दिया गया है, जो निश्चित रूप से मित्रों अद्भुत और अकल्पनीय है। G20 के लिए भारत ने चुना है बेहतर विषय, जिसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, G20 शिखर सम्मेलन पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ का कहना है कि G20 के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य से बेहतर विषय कोई नहीं हो सकता था, जिसे भारत ने चुना है। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि जब हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हैं तो यह और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि एक देश जो करता है उसका प्रभाव न केवल उस देश पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि भारत ने बहुत ही समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है और हर किसी को इसमें शामिल करने का जो प्रयास किया है वह निश्चित रूप से तारीफ़े काबिल है। सुरक्षा के मद्देनज़र यमुना नदी में नाव से भी गश्त लगाया जा रहा है।
दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। वहीं दिल्ली पुलिस इसकी तैयारियों को लेकर सुरक्षा में लगातार लगी हुई है। पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियां, अधिकारियों की सायरन बजाती गाड़ियां जब दिल्ली के सड़कों से गुजरती है तो लगता है कि वास्तव में यह दिल्ली वह दिल्ली नहीं है, यह दिल्ली बदली हुई देश की राजधानी है। इसी सिलसिले में पुलिस यमुना नदी में नाव से भी गश्त कर रही है, जिसकी चित्रण कोई कर नहीं सकता है। G20 देशों में बैठक में यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। 19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे प्रमुख और शक्तिशाली देश शामिल हैं। इन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग ले रहे हैं। वास्तव में यह देश के लिए गौरवशाली पल है, जिसे भारत कभी भुला नहीं सकता है। जो मेहमान अपने यहाँ इस बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, शिखर सम्मेलन में जो राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे, G20 सम्मेलन में भारतीय स्ट्रीट फूड भी परोसा जाएगा। जो मेहमान मेरे यहाँ आएंगे उनको ऐसा फूड फ्रूट खिलाया जाएगा जिसे वे अंगुली चाटते रह जाएंगे। चांदनी चौक के स्वादिष्ट व्यंजनों से लेकर के पंजाबी फूड्स मेहमान नवाजी में शामिल किया जाएगा। पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी, मिर्ची वड़ा, बीकानेरी दाल का पराठा, फलास लिलवा, कचौरी, आलू दिल खुश, टिक्की जोधपुरी, काबुली पुलाव को भी शामिल किया जाएगा। भारतीय पकवानों को भी शामिल करने की इसमें पूरी योजना थी, जिसे सरकार ने और व्यवस्थापकों ने पूर्ण कर लिया है। भारत की सभ्यता रही है कि खाने के साथ मिठास न हो तो खाना अधूरा लगता है। मेहमानों को मीठा खिलाने के लिए भी मलाई घेवर, गुलाब चूरमा, पिस्ता कुल्फी, गोंद का हलवा, श्रीखंड, मलाई कुल्फी विथ फालूदा, केसर पिस्ता ठंडाई, सेवैयाँ, दाल बादाम का हलवा, मिश्री का मावा, खीर, गाजर का हलवा, मोतीचूर का लड्डू, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, अखरोट अंजीर का हलवा, अंगूरी रसमलाई, एप्पल, जोधपुरी मावा, कचौरी जैसे मीठे फ्रूट्स को भी G20 जैसे शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले तमाम राष्ट्राध्यक्षों को, प्रतिनिधियों को उनके थालियों में परोसा जाएगा। फ्रूट्स को भी शामिल करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके अलावे खाने में केवल देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के कई अन्य राज्यों के व्यंजनों को भी परोसा जाएगा, जो यह दर्शाता है कि केवल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में देश के जो लोग बसते हैं उनका भी जो व्यंजन है, उनके खाने का जो डिश है, जो मेनू है, वह भी लाजवाब है, उसे भी शामिल किया जाएगा। विदेशी मेहमान जब उसे खाएंगे तो जान जाएंगे कि दिल्ली के शहरों में ही नहीं, भारत के गाँव में भी जो व्यंजन मिलता है वह दुनिया के किसी अन्य देशों में बड़ा दुर्लभ है। पकवानों की बात करें तो ये खबर सामने आ रही है कि बिहार का लिट्टी चोखा भी उसमें शामिल किया जाएगा। जब भी कोई विदेशी मेहमान बिहार आता है तो उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि वह लिट्टी चोखा खाए, और बड़े चाव से, बड़े प्रेम से, अखलाक व मोहब्बत से वह लिट्टी चोखा खाता है और अपनी अंगुलियों को चाटते हुए यह जरूर कहता है कि काश यह लिट्टी चोखा थोड़ा सा और रहता तो मैं अपने वतन को लेके जाता। राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, पंजाबी तड़का, उत्पम और इडली, बंगाली रसगुल्ले, दक्षिण भारत का मसाला डोसा, जलेबी जैसी कई खास डिशेज और मिठाइयाँ खास तौर पर परोसा जाएगा। जब थालियों में एक साथ ग्रामीण व्यंजनों को परोसा जाएगा तो सोने और चांदी की वह थालियाँ भी कहेंगी कि वाह, आज मैं भी धन्य हो गई भारत के इस मेजबानी को देख करके। इन पकवानों में भारत की अलग अलग राज्य की खासियत भी दिखाई देगी और तमाम व्यंजनों को परोसा जाएगा। G20 में आने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के लिए दिल्ली के ITC मौर्य होटल को बुक किया गया है। बताते कि व्हाइट हाउस ने हाल ही में जो बाइडेन की भारत यात्रा का शेड्यूल जारी किया है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 से 10 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। रूस, दक्षिण कोरिया और तुर्की G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर आने वाले रूसी प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली के ओबराय होटल में रुकवाया गया है। इसके साथ ही तुर्की का प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली के ओबराय होटल और दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधिमंडल गुरुग्राम के ओबराय होटल में ठहर रहा है। चीन, ब्राजील और फ्रांस के जो प्रतिनिधि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश की राजधानी दिल्ली आ रहे हैं, उनके प्रतिनिधिमंडल के ठहरने की व्यवस्था सबसे बढ़िया और सुंदर आकर्षक ताज होटल में की गई है। इसके साथ ही ब्राजील का प्रतिनिधिमंडल भी ताज होटल में ही रुक रहा है। वहीं फ्रांस का प्रतिनिधिमंडल
कैलेरेसेजेसिस होटल में ठहरा है। यूके और जर्मनी के जो प्रतिनिधि हैं वे ब्रिटिश प्रतिनिधि के ठहरने की व्यवस्था होटल सांगरी लाओ में की गई है। हाल ही में यूके पीएम ऋषि सुनक ने कहा था कि G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ मैं, और मुझे यह अवसर मिल रहा है कि मैं G20 जैसे सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत जा रहा हूँ। इससे गौरव का विषय मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। इसके साथ ही जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल को भी इसी होटल में ठहराया गया है। कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडलों के ठहरने की बात करें तो इन्हें ललित होटल और ऑस्ट्रेलिया की ओर से आ रहे प्रतिनिधिमंडल शाही होटल में रुक रहे हैं। इंडोनेशिया, सऊदी अरब और यूएई के प्रतिनिधियों की अगर बात करें तो उनके ठहरने की व्यवस्था दिल्ली के लीला होटल में की गई है। स्पेन, मॉरिशस, नीदरलैंड और नाइजीरिया के प्रतिनिधिमंडल को ठहरने की व्यवस्था ले मेरिडियन होटल में की गई है। बांग्लादेश, इटली और सिंगापुर के जो प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेने आ रहे हैं उनके ठहरने की व्यवस्था मशहूर हयात होटल में की गई है। ओमान और मिस्र से जो प्रतिनिधि जी शिखर सम्मेलन जैसे बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे हैं उनके ठहरने की व्यवस्था ITC साकेत में की गई है। यह भारत के लिए बड़ा गौरव और विलक्षण क्षण है जिसे भारत कभी भूल नहीं पाएगा। यह भारत बदलता हुआ भारत है। इस भारत में सब कुछ बदल चुका है। जिस प्रकार से जी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अतिथि जो आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए दिल्ली को जिस प्रकार से सजाया गया है, जिस प्रकार से संवारा गया है, वह वास्तव में अद्भुत है। आसमान से भी देव, दानव, गंधर्व और किन्नर भी कह रहे हैं कि वास्तव में दिल्ली आज वह दिल्ली नहीं रही। यह इंद्रप्रस्थ की राजधानी जो थी, वही इंद्रप्रस्थ की राजधानी आज उतना ही सुंदर जिसे इंद्र ने कभी सजाया था, इंद्र ने कभी संवारा था, उसी प्रकार से आज भी इसे संवारा गया है और सजाया गया है। वास्तव में देव, दानव, गंधर्व, किन्नर भी आसमान से पुष्प वर्षा करेंगे जब 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होगी यह जी शिखर सम्मेलन वाली बैठक, और तमाम राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बैठ करके दुनिया में अमन, शांति और विकास के लिए जो पैगाम देंगे उसे पूरा दुनिया सुनेगी, पूरा देश सुनेगा, पूरा नर नारी तमाम लोग सुनेंगे। नमस्कार, मैं शंभू प्रसाद अभय हूँ और आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं।